दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर जेड, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लास्ट लेटर होता है जेड, वो लिखना सीखेंगे। उसका पूरा पैटर्न के साथ मैं आज आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपका फेवरेट चैनल लाड सीमा को स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर जो होता है, क्या होता है, जेड, जेड लिखना सीखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, ये टॉप लाइन के ऊपर ऐसे एक स्लिपिंग लाइन रहता है, यहाँ से मिलाते हुए ये आता है मिडिल लाइन होके बेस लाइन तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर से बेस लाइन के ऊपर एक स्लिपिंग लाइन रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, जेड। स्टेप वन में ये रहता है, ये टू रहता है, थ्री में ये ऐसे रहता है। ये क्या हो गया, सेड। इसको लिखने के लिए पैटर्न ऐसे रहता है, ऐसे पैटर्न्स रहता है, ताकि बच्चे लोगों को लिखने के लिए आसान हो जाए। देख रहे हैं, ऐसे इसका पैटर्न्स रहता है। इसको कैसे मिलाते हैं, आइए देखते हैं। इसको मिलाने के लिए ऐसे ऐसे रहता है, ये रहता है। ठीक है, ये टॉप लाइन के ऊपर ऐसे स्लिपिंग लाइन रहता है, ये स्टैंडिंग लाइन रहता है, ये और एक स्लिपिंग लाइन रहता है। अभी इसको लिखने के लिए ना पेंसिल उठाना नहीं है, ठीक है, बिना पेंसिल उठा के लिखना है। ठीक है, देख रहे हैं, ऐसे स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, क्या हो गया, सेड। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर नर्सरी और प्री नर्सरी को लेकर कोई जानकारी चाहिए और कुछ सुझाव है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।